अस्सलामुअलैकुम। आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन कौन सी है? जी हाँ, मेरा सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन कौन सी है? आपने क्या कहा? रिश्वतखोरी। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? हफ्ताखोरी। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? अकरबा परवरी। ठीक है, और आप क्या कह रहे थे? सर वो कारोबार में, जी, कारोबार में असर रसूख का इस्तेमाल करना। और आप क्या कह रहे थे? सरकार परस्ती। जी हाँ, ये भी करप्शन की किस्में हैं, और पाकिस्तान में तो सारी करप्शन की किस्में मुरविज हैं। लेकिन मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन की बात बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप अगर इस तरह की मालूमात, मुनफरिद मालूमात और उसके साथ हिकमत कुरान, हिकमत योगा, यानी हाउ टू ब्रीथ, हाउ टू मेडिटेट एंड हाउ टू डू अ फिजिकल एक्सरसाइज, और उसके साथ हिकमत माहौलियात, परिंद चरिंद हाजर और शजर के बारे में, और हिकमत इंडस वैली सिविलाइजेशन, द मैसेज ऑफ सूफीज एंड सैंस फॉर पीस एमिटी एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, अगर आप जानना चाहते हैं और मजीद बना, इफ यू वॉन्ट टू बी फिट एंड फाइन, इफ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी वेल्दी, तो हाशिम अबलो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम बात कर रहे थे दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन। पता है सबसे बड़ी करप्शन दुनिया में यह है कि उस्ताद को पढ़ाना ना आता हो। बंदा उस्ताद तो लग जाए, उसको पढ़ाना ना आता हो। अच्छा, वो अगर आए क्लास में तो देर से आए, घर आए तो आए बाएं शाएं करता रहे, और बच्चों को जो उसका हक है वो ना दे पाए। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन है, पता है, टाइम पास करना फकत टीचिंग नहीं है, या डिग्री हासिल करना, या सीबा की टेस्ट पास करना, एनटीएस की टेस्ट पास करना और टीचर लग जाना, ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। अगर आपका मिजाज, आपका जरफ, आप मर्दुम शनास नहीं है, आप बच्चा शनास नहीं है, आपको रुगबत और रुझान पढ़ाने का नहीं है, यू डोंट नो द कम्युनिकेशन स्किल्स, यू डोंट नो द मोटिवेशनल एटीट्यूड, तो पता है ये दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन है। क्योंकि ये उस्ताद ही होता है जो नस्ल को बनाता है या नस्ल को तबाह कर देता है। एक रिसर्च के मुताबिक, एक तहकीक और सर्वे के मुताबिक, पता है इस्लामाबाद की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है ना, उनमें 75% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। है ना दुनिया की बड़ी करप्शन। अच्छा, और जो मॉडर्न स्कूल्स हैं उनमें से 85% ऐसे असातिज़ा और उस्तानियां हैं जिनको पढ़ाने से कोई दिलचस्पी नहीं, पकौड़े समोसे खाने से दिलचस्पी है। और इसी तरह अभी जो सीबा ने टेस्ट लिया है सिंध के प्राइमरी स्कूल टीचर्स का और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का, पता है उसमें कहते हैं कि 97% ऐसे बच्चे और बच्चियां सिलेक्ट हुई हैं, दे हैव नो एप्टीट्यूड, नो इंक्लिनेशन, नो बेंट ऑफ माइंड, दे डोंट वांट टू बी अ पैशनेट टीचर, बट दे हैव बीन सिलेक्टेड एज टीचर्स। कैसे कौम आगे बढ़ेगी, कैसे कौम आगे तरक्की करेगी, यही दुनिया की बड़ी करप्शन समझी जाती है। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द नेशन, destroy quality education. इसलिए तो कहते हैं, what is the way, what is the solution? हमें इस strong, मजबूत watchdog institutions की जरूरत है, हमें इस strong watchdog institutions की जरूरत है, और इस तस्ना ही तो बुनियाद बनती है ऐसे असातिज़ा को करप्शन करने पे। और सबसे बड़ी बात, वालदैन की, अवाम उन्नास की बेहिसी करप्शन के फरोग का बायस बन रही है मेरे मुल्क पाकिस्तान। आओ बचाएं अपने लोगों को बकवास नहीं। जी, आपने सही सवाल किया। तो सर, इस सूरत हाल में, इस गंभीर सूरत हाल में, यकीनन ये गंभीर सूरत हाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन के उस्ताद को, जिसको उस्ताद सिलेक्ट किया गया हो या अपॉइंट किया गया हो, उसको पढ़ाना ना आए, है करप्शन है। तो नई नस्ल को क्या करना चाहिए? What should the young generation do to tackle this menace, the master of corruption?
पता है नई नस्ल को, करप्शन को, बदगुमानी को चैलेंज करना चाहिए। इसी में कौम की बका है, इसी में मुआशरे और मिल्लत की बका है।